वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अर्पण है और आज मैं DKS IAS एकेडमी धीरेन सर के ग्रुप के साथ मिलके आप लोगों के साथ UPPCS मेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPPCS 2018 का PT का एग्ज़ाम हो चुका है और धीरेन सर हमसे लगातार कह रहे थे कि आप हमारे साथ जुड़िए और UPPCS मेंस 2018-19 के लिए हमारा सहयोग करिए। तो आज मैं आप लोगों से इसी विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि UPPCS का सिलेबस भी UPSC की तरह कर दिया गया है, तो इसलिए चारों पेपर लगभग लगभग बराबर हैं, पर उसमें कुछ दो सेक्शन UPPCS में अलग से जोड़े गए हैं। मतलब UPSC में 15 सेक्शन हैं तो UPPCS में 17 सेक्शन जोड़े गए हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में दो सेक्शन अलग से जोड़ दिया गया है। जैसा जानते हैं कि UPPCS में भी समान अध्ययन के चार पेपर रखे गए हैं और एक पेपर निबंध का होगा। निबंध में आप हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों में लिख सकते हैं। जैसा कि हम शुरुआत में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने समान अध्ययन फर्स्ट पेपर के विषय में चर्चा के लिए पूरा बोर्ड में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो आपके साथ मैं अभी डिस्कस करूँगा। समान अध्ययन फर्स्ट पेपर में चार चीज़ों का वर्णन है, जिसमें इतिहास, सामाजिक विज्ञान और भूगोल और उत्तर प्रदेश, चार चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे किया गया है जो UPPCS सिलेबस 2018-19 के लिए आयोग ने हम लोगों को दिया है। तो इसमें पहला हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास में कुछ सेक्शन हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जैसे पहला है भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला का प्रारूप और परिवर्तन। हमें शुरुआत से लेके प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक जो जो भारतीय संस्कृति में परिवर्तन हुए हैं, जैसे हड़प्पा से लेके फिर हम लोग वैदिक काल से लेके मौर्योत्तर से सल्तनत काल से मुग़ल, फिर आधुनिक जब ब्रिटिश पीरियड भारत में आया और उन्हें किस तरह से भारत में संस्कृति के लिए जो जो विकास किए और जो सहयोग किया, या उनकी वजह से जो हमारे पुराने संस्कृति को जो चोट पहुंची या जिससे हमारा विकास हुआ, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा मेन टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों, ये 18वीं शताब्दी से लेके जब तक हम आज़ाद होते हैं तब तक की सारी घटनाओं का एक पूरा लेखा जोखा इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लासी के युद्ध से लेके देश की आज़ादी तक का पूरी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं हुई, एक सिलसिलेवार टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे शिक्षा पे क्या विकास हुआ, प्रेस पे क्या विकास हुआ, कमीशन जो भारत में आते गए, फिर गांधी जी का मूवमेंट, कांग्रेस की भूमिका उसमें क्या रही, देश के या भारत छोड़ो आंदोलन से लेके नीचे पूरा लगभग डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तीसरा मेन टॉपिक स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, योगदान और व्यक्ति। दोस्तों, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो विभिन्न चरणों में इतिहासकारों ने उसको बांटा है। चरणों के हिसाब से हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस से पहले, कांग्रेस के बाद, फिर गांधी के पहले, गांधी के बाद, फिर क्रांतिकारी आए, उनके समय में हमारी योगदान थी किया, फिर व्यक्ति में गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह, सुभाष, सरदार पटेल, इन सब के बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चाएं करेंगे। हमारा चौथा सेक्शन है स्वतंत्रता के बाद का एकीकरण और पुनर्गठन। दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनके कारण हम एकीकरण की भावना के विपरीत जा रहे थे। फिर कुछ लोगों ने इसमें आगे बढ़कर देश को एक संगठित करने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, और कैसे हमारे कुछ स्टेट जो हमसे अलग होना चाहते थे, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, उन सबको कैसे एकीकरण हुआ, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हमारा इतना सारा पोर्शन, चार सेक्शन, ये आधुनिक या मॉडर्न इंडिया के तहत हम देखेंगे। फिर पांचवा जो बड़ा दूसरा बड़ा सेक्शन है वो है विश्व इतिहास का।
विश्व इतिहास में हम 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें क्रांतियाँ आएंगी, जैसे फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, आप रक्त क्रांति जिसको बोलते हैं आप, फिर हम दोनों वर्ल्ड वारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस पांचवें सेक्शन में ही दूसरा सेक्शन, ये सब सेक्शन ये है कि राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन प्रक्रिया के तहत जितनी भी जाएंगी, जैसे जो दो विश्व युद्ध हुए, दो विश्व युद्ध के दौरान जिन राष्ट्रों पे कब्जा किया, कुछ राष्ट्र उनको वापस किए गए, कुछ क्षेत्र जो अपने आधिपत्य में साम्राज्यवादी देशों ने ले लिया था उनसे छीने गए, तो उनके तहत हम बात करेंगे। विश्व इतिहास में हमारा आगे का सेक्शन जो है वो इसी से रिलेटेड है, उपनिवेशवाद तथा उसकी समाप्ति, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, फासीवाद। दो विश्व वर्ल्ड वार जो हुए हैं उनमें जो जो घटनाएं, जिन जिन घटनाओं ने मेन अहम भूमिका निभाई है, उसमें उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, नाजीवाद, इन सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा विश्व इतिहास में ही सातवां, छठ, सॉरी माफ कीजिएगा, छठा सेक्शन आता है भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं। इसमें हम भारत प्राचीन से लेके आधुनिक वर्तमान परिदृश्य में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का अभी यूपीपीसीएस में का पहली बार जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। अभी हमें पता नहीं है कि कैसे पेपर आएगा और क्या नहीं आएगा, तो हम यूपीएससी से ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि तो यूपीएससी का जो पेपर लास्ट ईयर 2018 का हुआ है उसमें यही देखा गया है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जुड़ाव है या लिंक है वो करंट से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार की योजनाओं के तहत गांधी पे भी प्रश्न पूछा गया, तो उनको वर्तमान का परिदृश्य पूछा गया है। 2018 में यूपीएससी का क्वेश्चन आया है, चीनी और अरबों का वृत्तांत पूछा गया है, जिसका संदर्भ वर्तमान से जोड़ के पूछा गया है। भारतीय कला संस्कृति के बारे में भी वर्तमान का परिदृश्य पूछा गया है, जैसे हमारी बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार की, स्वदेश दर्शन, हृदय सब चल रही हैं, कैसे हम अपनी संस्कृतियों को आपस में जुड़ाव रख सकते हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल साइंस, इसमें मेन हमारा टॉपिक होता है महिलाएं। महिलाओं पे हर साल दोस्तों क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। इस बार यूपीएससी ने जीएस के फर्स्ट पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन पूछे हैं, जो सारे के सारे तुरंत तत्कालिक समस्याओं पर पूछे गए हुए हैं। इसमें महिलाओं में सातवां टॉपिक है हमारे महिलाओं का समाज और महिलाओं के संगठनों की भूमिका। फिर महिलाओं पे जितने भी क्वेश्चन आज के किसी भी एग्ज़ाम में, छोटा हो या बड़ा, जहाँ भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुए हैं, हर जगह लगभग लगभग महिलाओं के बारे में एक आधा क्वेश्चन आता ही रहता है। पर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के मुख्य टॉपिक हैं, तो इसमें ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, तो इसके लिए हम आपको बताएंगे सेक्शन वाइज कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, कुछ एक दो लिंक दिए जाएंगे और लिंक के बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे इस पे एक आपको प्रारूप तैयार करना है, जिसके तहत आप कोई भी सवाल अगर आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तो उसका आप जवाब दे सकते हैं। आठवां टॉपिक है हमारा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का अभिप्राय तथा भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था। जैसा दोस्तों आप लोग जानते हो कि 90 के दशक में हमने पीपीपी अपनाया, मतलब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण हमने अपनाया, और फिर उसके बाद कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आना शुरू हुआ और आज हम इस स्थिति पहुँचे हैं कि हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम एक सतत प्रक्रिया के तहत अपना विकास कर पा रहे हैं, तो उसी के बारे में हमको इस पे चर्चा करनी है। अगला टॉपिक आता है सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों जैसे जानते हो कि आज हमारा समाज अभी भी दो हिस्सों में बंटा है, कुछ लोग उसको एक इंडिया, दूसरा भारत कहते हैं। उसी एक कल्याणकारी स्टेट जो होते हैं उनके सरकार की भूमिका ये होती है कि कोई भी योजना शुरू की जाए तो वो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सबसे नीचे के पायदान तक उन
योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे, परंतु कुछ कारणों की वजह से होता यह है कि योजनाओं का 100% जो है वो लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। कुछ लोग उसमें छूट जाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, कुछ उसमें अलग अलग उनके कारण होते हैं। अगला टॉपिक है इसमें सांप्रदायिकता। जैसा कि आप जानते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद से ही सांप्रदायिकता का दौर लगातार भारत ने इसका दंश झेला है। इसके कुछ राजनीतिक फायदे भी हैं अपने होते हैं, कुछ धार्मिक फायदे भी होते हैं लोगों के अपने, तो इसका भी हम इस पर भी अध्ययन करेंगे। उसी में आगे है क्षेत्रवाद। भारत आप जैसा जानते हैं कि एक विविधताओं से भरा देश है और इसमें बहुत सारी जातियाँ, वंश, नस्लें पाई जाती हैं, बहुत सारी बोलियाँ हैं। तो लोगों को लगता है कि हमारा एक बोली दूसरे, एक भाषा या एक धर्म दूसरे धर्म से अलग है, तो उसी में हमेशा क्षेत्रवाद की भी चर्चा होती है। सर दोस्तों, तीसरा टॉपिक हमारा है भूगोल का, जिसमें हमें भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है, मतलब ज्योग्राफिक में पढ़ना है। उसमें हमें भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जल धाराएं, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। फिर इसी में एक भूगोल का दूसरा टॉपिक है संसाधनों का वितरण। ये जल, मिट्टियाँ, वन, ये सब पढ़ने पर ये सब हमें दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब भारत के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में ही हमें इसका ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत के समुद्री संसाधन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हिंद महासागर तो या दक्षिणी चीन महासागर, इनके लिए भारत संघर्ष करता रहता है। भारत या उप महाद्वीप के जितने भी देश हैं, आप उसको अपने कब्जे में लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि उनमें संसाधनों की प्रचुरता है, उसके लिए हम हमेशा लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विश्व शरणार्थी समस्या, जिसको मानव प्रवास कह सकते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो कि अभी रोहिंग्या हो या बहुत सारे ऐसी मतलब जातियां हैं जो एक देश देश दूसरे देश प्रवसन कर रही हैं। उनका कारण ये है, आर्थिक कारण भी है, और आर्थिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी होते हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहते हैं चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला में एक नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या अधिवास। जनसंख्या अधिवास में हम लोग इसको करंट से जोड़ के पढ़ेंगे, जिसमें स्मार्ट शहर, ग्राम, नगरीकरण की समस्याएं, जो आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है। भारत सरकार ने स्मार्ट शहरों की बनाने के लिए विशेष पहल दिखाई है, स्मार्ट गांवों को बनाने के लिए पहल भी विशेष दिखाई है। नगरीकरण कैसे समस्याओं से घिरता हुआ चला जा रहा है और इनकी समस्याएं क्या हैं। फिर हमारा इसी श्रृंखला में नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत व सीमाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई जो भी है वो भौगोलिक क्षेत्र को, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र को इकट्ठा कर, मतलब एक ढांचे रूप में बनाने के लिए है। तो उसी में भारत और उपमहाद्वीप के बीच में, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में, जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं, भारत और चाइना के बीच में जो अभी हाल ही में आपने डोकलाम में सुना होगा, वो जो समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं इन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। फिर दो स्पेशल टॉपिक जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अलग हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इसमें आप इतिहास, कला, वास्तुकला, त्यौहार आदि के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक है यूपी विशेष ज्ञान, जिसमें हम भूगोल के बारे में कि हमारा ज्योग्राफिकल यूपी की कंडीशन क्या है, वहाँ पे खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ की विशेषताएं क्या हैं, कैसे उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं बाकी स्टेटों के से पीछे रह गया है देश की आज़ादी के बाद, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमने आपको समान अध्ययन के फर्स्ट पेपर के बारे में बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2018 का एग्ज़ाम हो गया है, तो लगभग अब मेंस जो है वो मार्च या फिर जून, 2 महीने लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि बीच में 2019 का आम चुनाव है। तो एक अंदाज़ा यही बैठ रहा है कि या तो एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट वीक में होगा मेंस का, या फिर जून के लास्ट वीक में होगा, ये एक अंदाज़ा बैठ रहा है। अब हम दोस्तों इसी श्रृंखला में एक काम ये करेंगे कि हम शुरुआत
टॉपिक, शुरुआत की जो टॉपिक इतिहास है, यहाँ से शुरू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। और यहाँ पे मैं एक पूरा डिस्कशन नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो में हमें किसी टॉपिक का सिर्फ आपको क्रक्स एक मोटा मोटा बता सकता हूँ कि कैसे आपको उस टॉपिक के बारे में समझना है। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको एक बुक पढ़नी है जिसके जो मैं पढ़ाऊँगा, बस उसको आपको पढ़ने के बाद पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें हम भारतीय इतिहास में अलग अलग एक चरण बांट लेंगे कि कैसे हमको टॉपिक डिसाइड करना है और क्या टॉपिक यूपीएससी, जो हमने पहले ही बताया है कि यूपीएससी को ही हमको बेस लेना है, क्योंकि यूपी पीसीएस में अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ है जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है। तो जो भी पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं उसी के तहत हम आगे की श्रृंखला बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इतिहास से पहला लेक्चर अपना शुरू करेंगे जो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।